बिहार कैमोर से पिंटू तिवारी पत्रकार की रिपोर्ट। पूर्व उप चेयरमैन कैमोर राजू खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अपना नाम चमकाने के लिए किसी के आस्था पर उंगली न उठाएं कोई। कैमोर जिले के चैनपुर प्रखंड के व्यूर गांव निवासी पूर्व उप चेयरमैन कैमोर राजू खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अपना नाम चमकाने के लिए किसी की आस्था के ऊपर किसी को उंगली नहीं उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नूपुर शर्मा के द्वारा विवादास्पद बयान दिया गया था, लेकिन उसके बाद उनके द्वारा माफी भी मांगी गई और पार्टी के द्वारा उन्हें निष्कासित भी कर दिया गया। इसलिए किसी को भी कोई ऐसा गलत बयान नहीं देना चाहिए जिसके बाद उसे खुद शर्मिंदा होना पड़े और अपने किए का दंड भी भुगतना पड़े। उन्होंने कहा कि इस समय नूपुर शर्मा से ज्यादा अग्निपथ का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इसे लेकर सरकार को एक स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए ताकि बच्चों के अंदर जो भ्रम है उनका भ्रम समाप्त हो सके। सरकार के द्वारा इस योजना को लेकर एक स्पष्ट नीति लागू करनी चाहिए जिससे युवाओं में अविश्वास न बढ़े। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है मैं उसका विरोध करता हूं, क्योंकि किसी भी प्रदर्शन में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना किसी भी तरह से जायज नहीं माना जाता है, इसलिए किसी को भी इस तरह से विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। पर हम क्या कहना चाहेंगे, अब तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी डिबेट हो डिबेट सार्थक बहुत होनी चाहिए, कम से कम मीडिया वाले इस पर ध्यान दें और लोग हैं जो मतलब संयमित भाषा का इस्तेमाल नहीं करके अनर्गल प्रलाप करते हैं। आजकल एक फैशन चल गया है मतलब अनर्गल बोलना और उस अपने को हाईलाइट करना, इस प्रवृत्ति पर रोक लगाना चाहिए। और जो भी सबके आदर्श होते हैं, मुसलमानों के आदर्श हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हिंदुओं भाई के आदर्श भगवान राम है, भगवान कृष्ण हैं, अंग्रेज़ों के आदर्श ईसा मसीह हैं, क्या नाम है, यहूदियों के आदर्श मूसा अलैहिस्सलाम हैं, सबके आदर्श हैं। तो आदर्श किसी आदर्श पे मतलब कोई कमेंट करना बेहतर नहीं है। नूपुर शर्मा के बारे में आप एक चीज क्या कहना चाहते हैं? नूपुर शर्मा बयान दी फिर माफ़ी भी मांग ली पार्टी के द्वारा, उनको निकाल दिया गया और उसके बारे में अब आइंदा ये ध्यान रखें। नूपुर शर्मा जी से अनुरोध होगा कि मतलब इस तरह का नफरती भाषण या जिस तरह से देश पर बवाल मचा हुआ है नूपुर शर्मा को लेकर, इसको लिया कहना चाहते हैं? किसके बारे में? नूपुर शर्मा के खिलाफ जिस तरह से मुस्लिम देश। नूपुर शर्मा का तो आजकल मामला जो है पीछे चला गया है, आजकल आ गया है ये अग्निपथ और अग्निवीर वाला जो मामला है, इसमें नौजवान बागी हो गए हैं। हालांकि नौजवानों को समझ से परे है, अब नौजवान समझ नहीं पा रहे हैं या सरकार समझा नहीं पा रही है और जो नुकसान कर रहे हैं। आज देखिए 3 दिन हो गया इंटरनेट बंद है, सारा बैंकिंग का लेन देन मैसेज का आदान प्रदान मतलब सारा सिस्टम जो है इस समय एकदम ठप है, जैसे लगता है कि क्या बोलते हैं हम लोग कैच खाने में हैं। तो ये मतलब ये स्थिति देश की पैदा हो गई, इस तरह की स्थिति ना पैदा हो, सरकार इस पर गंभीरता से ध्यान दे। युवाओं से भी अपील है कि शांतिपूर्ण जो भी बात करना है शांतिपूर्ण तरीके से करें, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, ये आपका संवैधानिक अधिकार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर ये जो उपद्रव मचाया जा रहा है, ट्रेन जलाया जा रहा है, बसों को तोड़ा जा रहा है या टोल प्लाजा जला दिया जा रहा है, ये सब नहीं करना चाहिए।